नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आप देख रहे हैं SB डिजिटल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एप्पल की तरह ही दिखने वाला एप्पल का एक क्लोन कीबोर्ड। यह है इसका बॉक्स शेप, आप देख सकते हैं। इसको आप किसी भी डिवाइस में, सिर्फ मैक में नहीं या एप्पल में नहीं, आप किसी भी डिवाइस में, विंडोज, मैक, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, स्मार्टफोन, किसी भी डिवाइस के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। टैबलेट वगैरह किसी भी डिवाइस के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने इसको एक महीना यूज किया। अब मैं आपको बता सकती हूँ ये कीबोर्ड एक्चुअली है कैसा। तो बॉक्स ये पे आप देख सकते हैं, ये पे वायरलेस कीबोर्ड लिखा गया है, कीबोर्ड का पिक्चर दिया गया है, कुछ स्पेसिफिकेशन ये पे दिया गया है, पीछे की तरफ दिया गया सेम तरीका कीबोर्ड का एक पिक्चर, कुछ मल्टीपल डिवाइस यहाँ पे दिया गया, टैबलेट, मोबाइल, टीवी। बट जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे मल्टीपल डिवाइस के अंदर ये सपोर्ट कर जाएगा जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन हो। तो चले अभी इसको खोलते हैं। तो ये है कीबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर दिया गया एक यूजर मैनुअल। तो डिजाइन ये पे आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली इसको अगर कोई खरीदेगा तो डिजाइन के वजह से ही खरीदेगा। एंड व्हाइट एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, हद से ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। टॉप सेक्शन में यहाँ पे कोई ब्रांडिंग हमें देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियसली अगर ब्रांडिंग होता तो बुरा लगता। ये पे आप देख सकते हैं कंप्लीट मिनिमलिस्टिक लुक दिया गया, इसके वजह से देखने में ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट कुछ कीज यहाँ पे मिसिंग है जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, जैसे प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट, यहाँ पे नंबर पैड होता है, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया। इसलिए नंबर का काम आप ऊपर में 1 2 3 करके दिया गया, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा आपको नंबर पैड देखने को नहीं मिलता। इसलिए आप भी समझ सकते हैं, छोटा एंड कॉम्पैक्ट बनाने के लिए नंबर पैड ऐसे हटा दिया। और एक प्रॉब्लम है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन सभी स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर एकदम लास्ट में होता है कंट्रोल बटन, बट यहाँ पे कंट्रोल बटन लास्ट के साइड में दिया गया, यहाँ पे फंक्शन बटन दिया गया। तो जो फोटोशॉप में काम वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल बटन ऑटोमेटिकली, अगर कोई कंट्रोल का काम हो तो हाथ फिंगर ऑटोमेटिकली इस बटन पे आ जाता है। अब कुछ दिन काम करते करते ठीक हो रहा है, बट ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। एंड ऊपर में एक एलईडी लाइट दिया गया, ये कैप्स लॉक ऑन ऑफ का लाइट है, ये बहुत ही जरूरी होता है कीबोर्ड के अंदर। पीछे की तरफ ये पे बैटरी सेक्शन दिया गया, ये पे 2 AA बैटरी ये पे आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी। एंड साइड में ये पे दिया गया पेयरिंग स्विच, ब्लूटूथ पेयरिंग स्विच, आप कनेक्ट स्विच कुछ भी बोल सकते हैं। एंड उसके साइड में दिया गया ऑन ऑफ का स्विच, तो आप यूज नहीं करते हो बहुत दिनों तक, तो आप इसको ऑफ करके भी रख सकते हो। वैसे तो ऑटो ऑफ हो जाता है, उसके बाद किसी बटन प्रेस करने पर ये फिर से ऑन हो जाता है। एंड इसके नीचे यहाँ पे कुछ यूज करने का गाइड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एंड ये पे बहुत ही अच्छा चीज किया गया है, बैटरी की वजह से जो सेक्शन यहाँ पे किया गया, इसके वजह से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। ये पे अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हो, टेबल के ऊपर अगर आप रखते हो, तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, इसके वजह से आपको टाइपिंग में अच्छे तरीके का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, बट बहुत अच्छा नहीं है। कंप्लीट बॉडी यहाँ पे प्लास्टिक से बिल्ड किया गया है। एंड टॉप सेक्शन में इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया, इसके वजह से बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। एंड नीचे के सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट में फिटिंग्स में कुछ इशू है। मुझे पता नहीं बाकी प्रोडक्ट में कैसा है, बट इस प्रोडक्ट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बुरा नहीं है, बट प्राइस की सबसे बहुत अच्छा नहीं है। अब कंफर्टेबिलिटी की बात करूं तो नॉर्मल जो की प्रेस करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो अगर आपने लॉजिटेक का कीबोर्ड वगैरह पहले यूज किया होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब प्रेस फील बहुत ही अच्छा, प्रेस कर रहे तो इसका फील होता है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट आफ्टर 7 डेज यूज तो ये आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ओवरऑल बताओ तो कंप्लीट, जैसे ही यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्रीमियम फील लग रहा है, बट ये पे प्रेस करने में आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील नहीं भी लग सकते, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लग सकती है। तो आप क्वेश्चन होता है क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, बट ये सभी के लिए नहीं है और ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। जिनको वायरलेस के साथ एक अच्छी लुक चाहिए वो ये कीबोर्ड ले सकते हैं। ये एक ऐसा कीबोर्ड है, आप अगर डेस्क पे रखते हो या आपके टेबल पे रखते हो तो आपका पूरा लुक चेंज कर देगा डेस्क का। अगर कोई भी आता है तो ये फर्स्ट देखेगा ये क्या चीज है, ये एक बार हाथ में लेके जरूर देखेगा। तो ये एक ऐसा चीज है, लुक के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो इसके कॉम्पिटिशन में कोई नहीं। इससे मैंने सभी काम किया, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, जो नॉर्मल टाइपिंग होता है, एंड पबजी मैंने इससे खेला। ऑब्वियसली मैं इसको गेमर के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए आप गेमिंग के लिए खरीदना चाहिए तो ये बिल्कुल ही आपके लिए नहीं है। एक नॉर्मल, अगर आप कीबोर्ड बहुत अच्छा यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, तो ये आपके लिए हो सकता है, जस्ट पड़े रहते तो ये आप नॉर्मल काम के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर आप गेमिंग करते तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ये खरीदना चाहते तो आप ये खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो प्राइस, इसका जो ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए था 300 to 400 rupees ये प्राइस होना चाहिए था, बट इसका प्राइस है 900 rupees, जो बहुत ही ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहते, लुक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते तो ये आप ले सकते। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चला तो इस वीडियो को दिल खोल के दे दीजिए एक बड़ा सा लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल SB डिजिटल को। और मैं आपके भाई शायक मिलता हूं नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।